हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सीडी सिंह एक और नए वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटॉप ट्यूटोरियल्स में। और हमारा आज का टॉपिक है सीपी प्लस के एनवीआर से सीपी प्लस और दहुआ के आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस कैसे चेंज करें और उनको एनवीआर में कैसे ऐड करें। सो फ्रेंड्स, सबसे मेन मेन्यू में जाएंगे, कैमरा ऑप्शन में जाएंगे, ऐड आईपी कैम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैमरे का आईपी एड्रेस दिख जाएगा। डिवाइस सर्च पे क्लिक करने पे आईपी दिख जाता है। हम यहाँ पे सेकंड नंबर आईपी को सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई मींस जो एडिट या पेंसिल का निशान बना है उस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने कैमरे का आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे चेंज करेंगे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। जिस सीरीज में हमारे एनवीआर का आईपी एड्रेस चल रहा होता है उसी सीरीज में हम अपने आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस और गेटवे भी चेंज करेंगे, जिससे कि हमारा कैमरा एनवीआर के साथ में प्रॉपर ऐड हो जाए और उसका लाइव वीडियो भी स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम गेटवे और आईपी एड्रेस सेट कर दिए हैं और सेट करने के बाद हमें उस कैमरे का पासवर्ड डालना पड़ता है। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आईपी एड्रेस सेट नहीं हो पाएगा। तो हम पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाएँगे और पासवर्ड वाले ऑप्शन में जा करके कैमरे का पासवर्ड हमें यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में डालना पड़ेगा। कैमरे का पासवर्ड हम यहाँ पे डाल देंगे और जैसे कैमरे का पासवर्ड डालने के बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं तो कैमरे का आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। जिस भी सीरीज में हमने आईपी एड्रेस डाला होगा, कैमरे का आईपी एड्रेस हमारा उसी सीरीज में चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने कैमरे का आईपी एड्रेस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने नेटवर्क के हिसाब से चेंज कर देते हैं। और चेंज करने के बाद जैसे आप रिफ्रेश करते हैं या डिवाइस सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको उस कैमरे का आईपी एड्रेस वहाँ पे दिख जाता है और उसको सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम उस कैमरे को ऐड करेंगे। जैसे ही हम डिवाइस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उस नेटवर्क में जितने भी कैमरे रहते हैं वो हमें शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का कैमरा है जिसका अभी हमने आईपी एड्रेस चेंज किया था, ये दहुआ का कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है, उसको हम ऐड करेंगे ऐड डिवाइस पे क्लिक करके। और ऐड करने के बाद हमें उस कैमरे का पासवर्ड यहाँ पे दोबारा से डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हैं तो कैमरा प्रॉपर ऐड नहीं होता है। तो कैमरे का आईपी एड्रेस सेलेक्ट करके हमने उसको ऐड कर दिया है और अभी स्टेटस में देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है। एडिट ऑप्शन में जाएंगे और एडिट ऑप्शन में जा करके कैमरे का पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है। और जैसे कैमरे का पासवर्ड हम डाल करके अप्लाई ओके करते हैं तो उस कैमरे का स्टेटस ग्रीन हो जाता है और वीडियो स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे एनवीआर का और कैमरे का पासवर्ड यदि सेम रहता है तो हमें कैमरे का पासवर्ड ऐड करने टाइम पे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मोस्टली यदि कैमरा ऐड करने के बाद स्टेटस ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो फिर आपको उस कैमरे का पासवर्ड भी डालना पड़ता है। मीन्स कैमरे को पहले ऐड करना है, उसके बाद कैमरे को एडिट करके वहाँ पर उस कैमरे का पासवर्ड डालना है और सेव करना है, उसके बाद ही आपके कैमरे का स्टेटस लाइव होगा और स्टेटस में ग्रीन का सिंबल यहाँ पे आ जाता है, स्टेटस ऑनलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैमरा ऑनलाइन हो गया है और उसका वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।